पहले मेरा बहुत पेट में गैस होता था और सर में चक्कर था। यही प्रॉब्लम लेके हम नोगावेट थेरापी सेंटर गए और थेरापी लेने लगे। तो जब थेरापी लिए, थेरापी लेने के बाद 10 रोज के अंदर अंदर मेरा सर चक्कर व पेट में जो गैस का प्रॉब्लम सारा दूर होते गया। जबकि उससे पहले हम एलापैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारा चीज़ दिखा के परेशान थे, ना मेरा सर चक्कर गया, ना मेरा पेट का गैस जाता था। और BGH में भी एडमिट हुए थे, गिर गए थे सर चक्कर के चलते, तो वहाँ भी सिटी स्कैन हुआ, वहाँ स्पॉन्डिलाइटिस अगैरह वगैरह, वर्टिगो, ऐसा सब कुछ का ट्रीटमेंट हुआ, मगर कुछ नहीं हुआ। और नोगावेट थेरापी सेंटर में थेरापी करने के बाद आज हम उस सब से ठीक हो गया। फिर मेरा बेटी का भी प्रॉब्लम हुआ था, मेरा बेटी को भी प्रॉब्लम के चलते हम मैट लिए और मैट थेरापी दिए, आज मेरा बेटी भी स्वस्थ है। हाँ, और हर चीज़ से हम उभर गए। मगर ये सब मेरा क्यों हुआ, क्योंकि मेरा 2016 में मेरा हस्बैंड डेथ हो गया और उसका एक बीमारी था जो शुगर था, और वही शुगर बीमारी के चलते उसका पूरा बॉडी लास्ट में सड़ने लगा। 34 यूनिट करके करके पहले 20 यूनिट 3 टाइम, उसके बाद 34 यूनिट लास्ट तक इंसुलिन चलता था, मगर इंसुलिन भी फेल हो गया जब पूरा बॉडी सड़ गया और लास्ट में उसका डेथ हो गया। और उसका साथ जो हम यही 4 साल से जो उसका सेवा हुआ किए और उसका डॉक्टर दिखाने लगे व सारा चीज़ किए, उसके चलते मेरा बॉडी में भी पूरा बॉडी में ब्लैक होने लगा। और मतलब बहुत परेशान थे हम, हर जगह दिखाए, स्किन डॉक्टर दिखाए, दवाई कर रहे थे और ज़्यादा हो रहा। तो फिर इस सब के चलते लास्ट में हम भेलोर चल गए, और भेलोर में जब गए वहाँ जाके जब मेरा एक छोटा बायोप्सी टेस्ट के लिए ऑपरेशन हुआ और उसमें जो रिपोर्ट आया 10 डेज के बाद, वो रिपोर्ट में हमको पता चला कि मेरा स्किन कैंसर का प्राइमरी स्टेज है। तो वहाँ से ट्रीटमेंट करा के हम चल आए इधर, और इधर आने के बाद फिर भी हम जब देखे नोगावेट का मिला हमको पर्ची, तो हम नोगावेट चल गए। और वहाँ जाके ये सब बात हम नहीं बोले कि हम भेलोर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कि मेरा ऐसा ऐसा है, फिर सर चक्कर और गैस ही बताए हम मेरा प्रॉब्लम, और नोगावेट का में थेरापी लेते गए। थेरापी लेने के बाद आज देखिए भेलोर का ट्रीटमेंट छूट गया, मेरा सारा दवाई छूट गया, और धीरे धीरे मेरा वो भी सब पूरा बॉडी में जो ब्लैक था वो सब भी चला गया, फेस में भी था चारों तरफ वो सब भी चला गया, और सर चक्कर भी चला गया, और जो वर्टिगो व स्पॉन्डिलाइटिस हर चीज़ का प्रॉब्लम था वो सब भी ठीक हो गया। पेट में गया, पहले रात को खाना ही नहीं खाते थे, दोपहर को जो खाना खाते थे बस वही खाने के बाद, और रात को खाना हम नहीं खाते थे, कभी नहीं खाते थे। बच्चा लोग भी परेशान था कि मम्मी आप नहीं खा रहे हैं, आप दुबली होते जा रहे हैं, कैसे क्या होगा, मगर क्या करेंगे, हम कैसे खाएंगे, मेरा पेट फूल जाता था, पूरा गला में जलन होता था, रात को कुछ भी एक पानी पीने का भी जगह नहीं रहता था, ऐसा लगता था पेट पूरा इतना से इतना तक पेट फूल जाता था। मगर देखिए आज हम नोगावेट थेरापी सेंटर को और नोगावेट का सारा टीम को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि वहाँ जाके थेरापी लेने के बाद ही मेरा हर चीज़ ठीक हो गया। आज हम रात को खाना खाते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, ऐसे शाम का टाइम हमको भूख लग जाता है तो कभी हम कुछ भी लेके खा लेते हैं, मिक्सचर खाते, पहले मिक्सचर नहीं खाते थे, कुछ चीज़ का सूप नहीं खाते थे हम, जैसे हम लोग बंगाली है मछली का कि मीट का, कुछ सूप खा ही नहीं पाते थे, कैसे खाएंगे, इतना गैस था पेट में। मगर आज मेरा सब कुछ ठीक हो गया, और पूरा घर का, पूरा फैमिली का, और खुद का, सबसे बड़ा खुद का, हम खुद ठीक रहेंगे तभी मेरा बच्चा दोनों का हम देख पाएंगे, यही सोच के हम आज मैट भी लेके आए। और मैट में 5 डे थेरापी लेते हैं, बेटी को भी थेरापी देते हैं, बेटी का भी बहुत प्रॉब्लम था उसका पापा का डेथ होने के बाद, आज मेरा बेटी भी स्वस्थ है। तो इसीलिए हम चाहेंगे व हम बोलेंगे सबसे बड़ी बात, अपना स्वस्थ, अपना हेल्थ सब कॉन्शियस हो जाइए, इसीलिए कि नोगावेट में कोई या नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। जहाँ हम भेलोर तक ट्रीटमेंट करके इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी ना मेरा बॉडी का कोई प्रॉब्लम ठीक हुआ था, ना मेरा गैस ठीक हुआ था, ना मेरा सर चक्कर ठीक हुआ था, ना हम फैमिली को देख पा रहे थे, ना मेरा बच्चा दोनों को हम बढ़िया से देख पा रहे थे, घर का हालत तो एकदम मातम छाया हुआ रहता था। एक तो हस्बैंड डेथ हो गया, ऊपर से जिसका माँ ऐसे गिरा रहेगा बीमारी में, बच्चा दोनों का क्या हाल आप लोग समझ ही पा रहे हैं। तो मगर नोगावेट थेरापी करने के बाद आज हम जब इतना बोल रहे हैं, दिल से थैंक यू कर रहे हैं, और अभी भी हम बोलते हैं जितना दिन हम जिएंगे हम नोगावेट थेरापी जरूर करेंगे, और घर में भी मैट लेके लिए आए, क्योंकि अपना हेल्थ और अपना फैमिली का हेल्थ, ये सब के चलते आप सब भी अपना परिवार का सुरक्षा के लिए नोगावेट थेरापी हर जगह है, हर जगह जो जहाँ पर आप लोग जिस एरिया में रहते हैं, जिस प्लेस में रहते हैं, वहाँ जरूर आप सर्च करके देख लीजिए, नोगावेट थेरापी आपको जरूर मिलेगा। और आप खुद जाइए, पूरा फैमिली को ले जाइए, और सबको ये बताइए, देखिए 10 रोज करने के बाद देखिए कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जाके आप बताइए, और उस सारे प्रॉब्लम का सेंटर में जितना जो है वहाँ वहाँ का यूनिट, उस सबको अपना प्रॉब्लम बता के नोगावेट थेरापी लीजिए, और देखिए आपका
सारा प्रॉब्लम धीरे 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 जड़ से खत्म होते जाएगा, जड़ से खत्म होगा। जहां हम लोग ट्रीटमेंट करा के इतना पैसा खर्चा करते हैं मगर ठीक नहीं हो पाते, बॉडी का टेम्परेचर ठीक रखना भी जरूरी है। ये हम यही लॉकडाउन में एक महीना पहले का बात बता रहे, हम एक महीना पहले ही एक्सपीरियंस मेरा हो गया, क्योंकि मेरा फीवर पकड़ गया था और फीवर के चलते हम गिरे थे घर में, और मेरा बच्चा लोग परेशान था मेरा पीछे, थर्मोमीटर में देखे कि 102.3 फीवर जा रहा, तो फिर हमको डॉक्टर के पास लेके गया मेरा बेटी स्कूटी में, और वहाँ जाके ब्लड टेस्ट कराए, सारा टेस्ट कर लिया, वो लोग कोरोना का भी टेस्ट कर लिया, तो बोले कि नहीं आपका टाइफाइड है, तो टाइफाइड का दवाई दिए और हमको एकदम बोल दिए कि 3 महीना और अभी फिलहाल 5 डेज आपको बेड रेस्ट में रहना पड़ेगा, और खाने के लिए बोल दिया कि ऐसे झाल तेल मर्चा सब बात दे के आप खाइएगा। घर में आए, घर में आकर हम बेटी को बोले कि मैट लगाओ और हम मैट थेरेपी लेंगे, मेरा बॉडी टेम्परेचर घट गया, हमको पता है हमको बॉडी कोल्ड हुआ तभी टाइफाइड पकड़ गया, हमको टाइफाइड चला जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा, कुछ दवाई हमको लेना नहीं पड़ेगा, हम मैट का थेरेपी लेंगे। मैट थेरेपी लेते गए, बिलीव नहीं कीजिएगा कि अभी भी लेते हैं, अभी 1 घंटा गर्मी के चलते ज़्यादा नहीं ले पाते, मगर 1-2 घंटा पर डे नाइट को लेते हैं, और जब टाइफाइड था उस टाइम हम दिन भर रात भर 44 करके और मैट थेरेपी लिए, देखिए मेरा टाइफाइड, उसके बाद टेस्ट कराए मेरा टाइफाइड ख़त्म हो गया। इसीलिए हम सबको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि नुगा बेस्ट जिस एरिया में आप है उस एरिया का नुगा बेस्ट थेरेपी सेंटर जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको कुछ नहीं लगता, फ्री कॉस्ट आपको सेवा मिलेगा, आपका हेल्थ का सब प्रॉब्लम दूर होगा, आपका सबसे बड़ा हेल्थ है, तो खुद और अपना परिवार को देखिए। धन्यवाद।